हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं रवा नमकीन मसाला डोनट। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि डोनट मीठा हो या सेवरी यानी कि नमकीन, ये हमेशा लुभाते हैं बच्चों को और ये बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता है और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सरल सा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसकी बड़ी ही आसान सी सामग्री। आधा कप बारीक सूजी, अगर बारीक सूजी नहीं है तो आप जाड़ी सूजी भी ले सकते हो यानी कि मोटी सूजी। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से करी पत्ते, 3 तीखी कटी हरी मिर्च, आधा टीस्पून जीरा के दाने, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1.5 कप पानी, ये सादा पानी है, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के आलू को उबाल लिया है 3 सीटी देकर, 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल, आधा टेबलस्पून सौंफ, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है, नमक स्वाद अनुसार, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हम यहाँ पर कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का लिया है और एक थोड़ा सा छोटा सा लिया है ताकि डोनट का शेप आ सके। अगर आपके पास कटर नहीं है तो रफ़ एजेस यानी कि जो कटोरी के जो किनारे होते हैं वो थोड़े से शार्प से होने चाहिए और बॉटल के ढक्कन जो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तलने के लिए तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रवा नमकीन मसाला डोनट। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में सूजी डालेंगे और आंच को हम मध्यम रखेंगे और यहाँ पर सूजी को हम करीबन 5 मिनट के लिए भूंज लेंगे। हमें यहाँ पर सूजी को सुनहरी नहीं करना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमने निरंतर इसे चलाते रहे हैं। अब आंच को हम धीमा करेंगे और 1.5 कप पानी डाल लेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसे मिला लिया है। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे और फिर से मिला लेंगे। अब हम ढक्कन से ढक देंगे इसे और धीमी आंच पर 7 मिनट तक हम इसे भाप में पका लेंगे। जब तक सूजी हमारी पक रही है हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। हम यहाँ पर मोटी जाली वाला ग्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा अलग रख देंगे और अब हम ज़रा सूजी को देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए सूजी तैयार हो चुकी है। अब आंच को हम बंद कर लेंगे और सूजी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी तो ये बहुत गर्म सी है तो ये हल्का सा ठंडा सा हो जाए तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सूजी हल्की गुनगुनी गरम सी है तो ये मैनेजेबल है। तो इसे अब हम मसल लेंगे। अगर आपको लगे कि सूजी थोड़ी सी चिपचिपी सी है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें और अच्छे से मसल लें। तो हमें 1 मिनट का वक्त लगा है सूजी को अच्छे से गूंदने के लिए। अब इसमें हम कटा हुआ अदरक, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते। हम कड़ी पत्ते को रफली तोड़ लेंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। हल्दी पाउडर, सौंफ, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हरा धनिया, अब कद्दूकस किया हुआ आलू, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिला लेंगे और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे।
तो देखिए डो हमने तैयार कर लिया है। अब मीडियम हिस्सा ले लेंगे डो का और गोल आकार दे देंगे और पैटिस की तरह हम इसे फ्लैट कर देंगे। आप देख सकते हो इसके जो किनारे हैं वो एकदम चिकने से हैं, इसमें दरारें नहीं हैं। और दरारें अगर आपको दिखे भी तो उसे आप हाथों से लेवल कर दें। अब इस पैटिस को हम प्लेट पर रख देंगे और मीडियम कटर की सहायता से इसे एक परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे और जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे। अब छोटा जो कटर है वो हम बीच में रख देंगे और दबा देंगे। तो देखिए डोनट का शेप आ चुका है, आकार आ चुका है। इसे अब हम प्लेट में रख देंगे, लेकिन इससे पहले हम आधा टीस्पून मैदे की डस्टिंग कर लेंगे ताकि प्लेट पर गलती से भी ये डोनट चिपके ना। और इसी तरीके से हम बाकी के भी डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए सुंदर से डोनट हमने बना लिए हैं। हमने यहाँ पर कुल मिला के 9 डोनट्स तैयार किए हैं। अब इसे हम तल लेंगे। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप घर पे जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो उससे आप तल सकते हो। तो आंच को हमने मध्यम और तेज के बीच में रखा है। तो हम डोनट्स को तल लेंगे। जैसे ही हम डोनट्स को डालेंगे हमें इसे चलाना नहीं है, हमें करीबन 1 मिनट तक इसे टच नहीं करना है। हमें दोनों तरफ से अच्छे से तल लेना है सुनहरी होने तक, और इसे करीबन 5 मिनट का वक्त लगता है। तो देखिए ये सुनहरी से हो चुके हैं। आप चाहो तो इसे लाइट ब्राउन भी तल सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको सुनहरी ज्यादा पसंद है या लाइट ब्राउन। तो टेस्टी क्रिस्पी और डिलीशियस सूजी नमकीन मसाला डोनट तैयार हो चुका है। इसे आप गर्मा गर्म ही खाइए कैचअप और हरी चटनी के साथ। आप इसे मेयोनीज के साथ भी खा सकते हो। मुझे यकीन है ये फ्लेवरफुल डोनट जरूर आपको पसंद आए होंगे। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।